अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। तोहफ़ा या अली अलैहि सलाम मदद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला फातिमा व अबीहा व बालिहा व बनीहा व सिरिल मुस्तौदाए फीहा बेअदद मा अहाता बिही इल्मुक व मा अहसाहु किताबुक। अल्लाहुम्मा अज्जिल वलीयकल फरज। करबलाए मौला हमारे लिए ईमान को ताज़ा करती है। करबलाए मौला हमारे लिए राह मुस्तकीम को वाज़ह करती है। करबलाए मौला हिदायत हमारे लिए वाज़ह करती है। करबलाए मौला तौहीद हमारे लिए वाहिद करती है। आइए करबलाए मौला की तरफ रुख कर लीजिए, सीने पे हाथ रख लीजिए, दिलों की धड़कनों को फिदाए तुराब इब्ने अबू तुराब अलैहिस्सलाम करने की नीयत से आइए मौला की बारगाह में सलाम और अर्ज़ अकीदत पेश करते हैं। السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين علي ابن أبي طالب السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدات نساء العالمين وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا مولاي يا أبا الفضل العباس يا ابن أمير المؤمنين وابن قائد الغر المحجلين المطيع لله ولرسوله ولأمير المؤمنين والحسن والحسين السلام عليك يا قطيع الكفين السلام عليك يا حجاب زينب السلام عليك يا قمر العشيرة السلام عليك يا باب الحوائج السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
करबलाए मौला की पाक धरती में आप सब की खिदमत आलिया में खुशामदीद अर्ज़ करता हूँ। जिस तरीके से आप जानते हैं कि आज 8 शाबानुल मुअज़्ज़म है और 1442 हिजरी है, 22 मार्च है 2021 से हम अपने प्रोग्राम की किस्त नंबर 499 बारगाह अक़दस अहले बैत अलैहिस्सलाम में हदिया करने लगे हैं। और आज हमारे साथ मेहमान होंगे शायर अहले बैत अलैहिस्सलाम व नोहा खान सैयद आज़म हुसैन साहब ढाका बंगलादेश से, नोहा खान जवार तौफीक अली मुहैसर हालानी ज़िला नौ शहरों फिरोज़ ताल्लुका को मेहरबपुर सिंध पाकिस्तान से, और नोहा खान अली हसनैन साहब फैसलाबाद पाकिस्तान से। खुदावंद मुताल का जितना शुक्र अदा किया जाए कि उसने हमें एक और दिन ज़िक्र अहले बैत अलैहिस्सलाम के लिए नसीब फरमाया, उसका उतना ही ज़्यादा एहसान है कि उसने हमें अपने बरगुजीदगान के साथ मरबूत फरमाया। जितना शुक्र किया जाए उतना ही कम है। दोस्तान जो हमारे प्रोग्राम में शरीक होते हैं उन सबसे यही अर्ज़ है कि आप अपना व्हाट्सअप नंबर जब देते हैं तो वक्तन फ़ावक्तन उसे चेक करते रहा करें। ज़्यादा तो मैसेज हमारी तरफ से आप तक नहीं जाते हैं, बहरहाल जो भी मैसेजेस जाएं वो आप उन्हें बर वक्त सुन लिया करें। आपको जो डेट दी जाती है वो कन्फर्म होती है हमारी तरफ से, आपको अगर डेट में पसोपेश हो तो उसे चेंज करने की ऑप्शन आपके हाथ में होती है। कम अज़ कम एक महीना पहले आपको डेट बता दी जाती है। बहरहाल कोशिश किया कीजिए ताकि अगर डेट आपको पसंद या सूटेबल नहीं है तो पहले से ही बता दें और अपनी डायरी में भी लिख कर रखा कीजिए। हमारे साथ मौजूद हैं नोहा खान अली हसनैन साहब फैसलाबाद पाकिस्तान से। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। या अली मदद। वाला मदद। करबलाए मौला की पाक धरती पर आपकी आवाज़ गूंज रही है। चाहूँगा ज़िक्र अहले बैत अलैहिस्सलाम से हमारी महफिल को मुनव्वर तर फरमाइएगा। बिस्मिल्लाह कीजिएगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान लाईन रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीन बिविलायति अमीरिल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम सलावात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद मुअज्जिल फरजहुम। क्योंकि आज 7वीं शाबान है, मौला कासिम अलैहिस्सलाम शहजादा कासिम अलैहिस्सलाम की विलादत का दिन है, तो उनके बारे में मनकबत के चंद अशार आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। माशाल्लाह इनायत हो जनाब, बिस्मिल्लाह कीजिएगा। बात सच है कि ना जब तक हो रजा कासिम की, वाह बात सच है कि ना जब तक हो रजा कासिम की, बात सच है कि ना जब तक हो रजा कासिम की कोई में हिम्मत है के वो सुन पाए सना कासिम की, वाह 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 वाह, में हिम्मत है वो सुन पाए सना कासिम की। और आज के हवाले से कि आज है आज है 7वीं शाबान, चलो कर वो बला, आज है 7वीं शाबान, चलो कर वो बला, आज अब्बास सुनाए ये सना कासिम की, वाह 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 वाह, आज अब्बास सुनाएंगे सना कासिम की। सुभान अल्लाह। कासिम का मतलब है करने वाला, तो उस हवाले से शेर पेश कर रहा हूँ। माशाल्लाह। के जिंदगी पाना और रिस्क को करना
तकदीर जिंदगी बांटना रिज़्क को करना तकसीर नाम के साथ है ये खास अता कासिम की वाह 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 नाम के साथ है ये खास अता कासिम की और जिसने देखा नहीं शबर को कभी लड़ते हुए के जिसने देखा नहीं शबर को कभी लड़ते हुए देख ले कर वो बला में वो विगा का कसम की देख सुभान अल्लाह वो बला में वो विगा का कसम की के जिस तरह मांगी थी काजी की दुआ है हैदर ने सुनिएगा कि जिस तरह मांगी थी काजी की दुआ है हैदर ने वैसे ही मांगी है शबर ने दुआ कासिम की वैसे ही मांगी है शबर ने दुआ कासिम की माशाल्लाह अर्श को छोड़ के जिब्रील भी आ बैठे हैं अरे अर्श को छोड़ के जिब्रील भी आ बैठे हैं शाह गर्देज में सुनने को सना कासिम की वाह 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 माशाल्लाह किस में वो सुन पाए सना कासिम की दुरूद सुभान अल्लाह اللهم صل على محمد وعلى محمد بسم الله जी भाई एक और कलाम आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ मौला हुसैन के हवाले से इनायत हो बिस्मिल्लाह कीजिएगा इबादतों के जहां पर हुसैन का हक है इबादतों के जहां पर हुसैन का हक है नमाज सजदा अज़ान पर हुसैन का हक है वाह 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 आदतों के जहां पर हुसैन का हक है सुभान अल्लाह अशेर इरशाद के ये कह के छोड़ दिया हुर ने शाम का
عرش کر کھولا وہ سورہ توبہ کا ترجمہ مجھ پر جہاں خدا ہے ہر ایک سچی ہر ایک سچی زبان پر حسین کا حق ہے کہ جہاں پر حسین کا حق ہے. اور میرا پسندیدہ شعر بسم اللہ کہ ہاں خدا کی بخشی ہوئی جان تو لے چکی تھی قضا خدا کی بخشی ہوئی جان تو لے چکی تھی قضا میرے امام نے مجھ کو دوبارہ زندہ کیا بس اب حبیب بس اب حبیب کی جا پر حسین کا حق ہے. اے باپوں کے جہاں پر حسین کا حق ہے. بسم اللہ وہ بارگاہ ہو مسجد کے خانہ کعبہ وہ کوہ نور کی منزل ہو باد عاشورا جہاں خدا ہے جہاں خدا ہے وہاں پر حسین کا حق ہے. عادتوں کے جہاں پر حسین حق ہے. شعر پیش کر رہا ہوں. بسم اللہ یزید دیکھ لے یہ فتح کی دلیل ہے تیری سپاہ سے بڑھ کر یہاں سبیلے ہیں ارے وہ دیکھ آب رواں وہ دیکھ آب رواں پر حسین کا حق ہے. عبادتوں کے جہاں پر حسین کا حق ہے. جو پہرے دار ہیں بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے روزہ پر تو ان کے حوالے سے شعر ہے کہ جو پہرے دار رہے تھے مزار زینب پر حسین اکبر صاحب لکھتے ہیں کہ جو پہرے دار رہے تھے مزار زینب پر وہ سب شہید یہ کہتے ہیں شام کے اکبر ہر انقلاب زمان
हरम के लाबे जमा पर हुसैन का हक है। वाह 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 वाह। हजरतों के जहां पर हुसैन का तौफीकात में इजाफा फरमाए, सदा आबाद रहें, सदा शाद रहें, सदा जिक्र अहले बैत अलैहिस्सलाम करते रहें। बहुत प्यारी आवाज़ के साथ, बहुत इखलास के साथ आपने मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और जनाब कासिम अलैहिस्सलाम का जिक्र फरमाया। खुदावंद ने मुताला आपकी नस्लों में जिक्र अहले बैत अलैहिस्सलाम जारी सारी रखें, आपका खानवादा, आपका घराना आबाद रहे जिक्र अहले बैत अलैहिस्सलाम से। इस जिक्र का सदका जल्द करबला मौला पहुँच कर बारगाह अकदस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में हदिया जिक्र पेश करने का शरफ नसीब हो। सदा ये शराफत जिक्र आपकी नस्लों के साथ रहे और ये शराफत जिक्र आपको राह मुस्तकीम पर कायम रखे, जो कि विलायत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम है। यौमुल हश्र लिवाउल हम्द का साया आपको नसीब हो। सदा आबाद रहें, सदा शाद रहें, सदा बीबी जैनब सलामुल्लाह अलैहा का दिफा करते रहें। ये थे हमारे साथ नोहा खान अली हसनैन साहब फैसलाबाद पाकिस्तान से। खुदावंद मुताला आपकी तौफीकात में इजाफा फरमाएं। सदा आबाद रहें, सदा शाद रहें, सदा जिक्र अहले बैत अलैहिस्सलाम करते रहें। ऐसे ढेरों जश्न आपको मनाना नसीब हो और आपके नसीबों में जिक्र अहले बैत अलैहिस्सलाम और मोहब्बत अहले बैत अलैहिस्सलाम हो। सदा आबाद रहें। यकीन जानिए, जब प्यार मोहब्बत के साथ आप लोग जिक्र करते हैं तो हमारे दिलों पर ये चीज़ असरअंदाज होती है। हमारे साथ मौजूद हैं शायर अहले बैत अलैहिस्सलाम व नोहा खान सैयद आज़म हुसैन साहब ढाका बांग्लादेश से। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम या अली मदद। मौला अली अलैहिस्सलाम मदद। सदा आबाद रहें, सदा अहले बैत अलैहिस्सलाम से मुतमसिक रहें। चाहूँगा जिक्र अहले बैत अलैहिस्सलाम से हमारी महफिल को मुनव्वरतर फरमाइएगा, बिस्मिल्लाह कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। पहले बांग्लादेश के तमाम मोमिनों के जानिब से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोज़ा पे सलाम अर्ज करना चाहता हूँ। अस्सलाम अलैका या अस्सलाम अलैका या अब्बास इब्ने अली अलैहिस्सलाम, अस्सलाम अलैका या अबा अब्दुल्ला अल हुसैन अलैहिस्सलाम। तो इजाजत है, बिस्मिल्लाह इनायत हो। बिस्मिल्लाह। के अब्बा से जरी मैंने उठाया जब कलम, कह के अब्बा से जरी मैंने उठाया जब कलम, हर यजीदी सोची का करता रहा मैं सर कलम। वाह 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 वाह। कह के अब्बास से मैंने उठाया जब कलम, हर मुनाफिक शख्स का चेहरा स्याह होने लगा, हर मुनाफिक शख्स का चेहरा सिया होने लगा, जब कभी अब्बास का उसको नजर आया अलम। वाह वाह। कह के अब्बास जरी मैंने उठाया जब कलम। सुभान अल्लाह। और काबिले गौर है, जंग तो एक खेल है, तो मत उलझे अब्बास से। वाह। जंग तो एक खेल है, ओ मत उलझ अब्बास से। ऐ अदूए बदना सब, ऐ अदूए
मुझे हटा तेरा कदम। वाह 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 से जरी मैंने उठाया जब कलम। वाह सुभान अल्लाह। यजीदी सोची का वाह करता रहा मैं सर कलम। वाह के अब्बासे जरी मैंने उठाया जब कलम। वाह सुभान। और मक्ता का शेर है इनायत हो। इस तरह आजम ने बांग्लादेश से ये दी सदा। वाह वाह वाह। इस तरह आजम ने बांग्लादेश से ये दी सदा। मौला कतरा से क्यों कर समंदर, अरे कतरा से क्यों कर समंदर का सना होगा रकम। वाह 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 वाह। कह के अब्बास जरी मैंने उठाया जब कलम। वाह सुभान अल्लाह। और दूसरा मिसरा है बादशाह हुसैन अलैहिस्सलाम के शान में मुलाहिजा इनायत हो। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। या अली मदद या अली मदद। या हुसैन मौला, या हुसैन मौला, या हुसैन मौला, या हुसैन मौला, हुसैन हुसैन, या हुसैन मौला, हुसैन हुसैन, या हुसैन मौला। मेरा हुसैन जैसा कोई ढूंढ के लाओ, मेरा हुसैन जैसा कोई ढूंढ के लाओ। खंजर को काट जिसका लहू, खंजर को काट जिसका लहू ढूंढ के लाओ। मेरा हुसैन जैसा कोई ढूंढ के लाओ, मेरा हुसैन जैसा कोई ढूंढ के लाओ। तकदीर में जो कुछ है लिखा होता है अक्सर। मौलाना साहब तवज्जो। तकदीर में जो कुछ है लिखा होता है अक्सर, तकदीर में जो कुछ है लिखा होता है अक्सर। किस्मत को बदल दे जो, किस्मत को बदल दे जो उसे ढूंढ के लाओ। मेरा हुसैन जैसा कोई ढूंढ के लाओ, मेरा हुसैन जैसा कोई ढूंढ के लाओ। अक्सर यजीद पूछता था अपनी ही माँ से, अक्सर यजीद पूछता था अपनी ही माँ से, है मेरा बाप कौन, है मेरा बाप कौन, जरा ढूंढ के लाओ। मेरा हुसैन जैसा कोई ढूंढ के लाओ, मेरा हुसैन जैसा कोई ढूंढ के लाओ। तुम जिसको चाहे कहते रहो हाँ रजी अल्लाह, तुम जिसको चाहे कहते रहो हाँ रजी अल्लाह। जिससे खुदा राजी है, जिससे खुदा राजी है उसे ढूंढ के लाओ। मेरा हुसैन जैसा कोई ढूंढ के लाओ, मेरा हुसैन जैसा कोई ढूंढ के लाओ।
जिसका है शीर ख्वार भी मैदा का मुजाहिद, अरे जिसका है शीर ख्वार भी मैदा का मुजाहिद, उस जैसा जरीब ने उस जैसा जरीब ने जरी ढूंढ के लाओ, मेरा हुसैन जैसा कोई ढूंढ के लाओ। और मेरा पसंदीदा शेर है, गौर कीजिएगा, गम गम जिसका मनाने से सुकून मिलता है दिल को, गम जिसका मनाने से सुकून मिलता है दिल को, गम जिसका मनाने से सुकून मिलता है दिल को, दिल का तबीब ऐसा, दिल का तबीब ऐसा कोई ढूंढ के लाओ, मेरा हुसैन जैसा कोई ढूंढ के लाओ, मेरा हुसैन जैसा कोई ढूंढ के लाओ। और मक्तगश पहले ही फरमा के अगर लाइन ड्रॉप हो जाए तो इसलिए आजम सना ख्वान हूँ शब्बीर का बेशक, ख्वान हूँ शब्बीर का बेशक, तकदीर मेरे जैसा, तकदीर मेरे जैसा कोई ढूंढ के लाओ, मेरा हुसैन जैसा कोई ढूंढ के लाओ, मेरा हुसैन जैसा कोई ढूंढ के लाओ, जिसके रगों में दौड़ता था खून मोहम्मद, जिसके रगों में दौड़ता था खून मोहम्मद, उस लूलू उमर जान सा, उस लूलू उमर जान सा तुम ढूंढ के लाओ, मेरा हुसैन जैसा कोई ढूंढ के लाओ। और तीन दिन का प्यास थे फिर भी क्या हालत था, है बस जिसके कापता था फौज सितमगर, है बद से जिसके कापता था फौज सितमगर, उस बेकस सफदर सा, उस बेकस सफदर सा कोई ढूंढ के लाओ, मेरा हुसैन जैसा कोई ढूंढ के लाओ। तीन शबो रोज था जो भूखा प्यासा, तीन शबो रोज था जो भूखा प्यासा, लाखों पे फिर भी भारी था, लाखों पे फिर भी भारी था जो ढूंढ के लाओ, मेरा हुसैन जैसा कोई ढूंढ के लाओ, मेरा हुसैन जैसा कोई ढूंढ के लाओ। और जनाब आखिरी मिसरा है कि हर कौम का बशर को हर कोई इज्जत करता है, मगर एक फकत इमाम हुसैन है जो हर कौम इमाम हुसैन अलैहि सलाम को इज्जत करता है। कुछ लोगों को फकत करते हैं इज्जत, कुछ लोगों को फकत करते हैं इज्जत, इज्जत जिसे करती है, इज्जत जिसे करती है जहां ढूंढ के लाओ, मेरा हुसैन जैसा कोई ढूंढ के लाओ, मेरा हुसैन जैसा कोई ढूंढ के लाओ, खंजर को काट जिसका लहू, खंजर को काट जिसका लहू ढूंढ के लाओ। वाह।
बर मोहम्मद व आले मोहम्मद बुलंद सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना साहब, बहुत बहुत तमाम मोमिनीन को बहुत बहुत शुक्रिया। मौला आपको भी सलामत रखें, सदा आबाद रहें। आपका शुक्रिया कि आपने हमारे सवाब में इजाफे का सबब किया। मौला आपकी तौफीकात में इजाफा फरमाएं, सदा आबाद रहें, सलाम करते रहें। इस का जल्द करबलाए मौला पहुँच कर जिक्र अदा करने का शरफ़ नसीब हो। आपके ख़ानदान में यह जिक्र का सिलसिला जारी हो, सारी रहे। मोहब्बत व मवद्दत अहले बैत अलैहिस्सलाम को आम करते रहें, शर शैतान व आदा से महफूज रहें। दुआ गो हूँ जिक्र अहले बैत अलैहिस्सलाम दुनिया व आखरत में आपके लिए मिशाल राह रहे। और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम भी जब जब मौका मिला मौला का जिक्र करने के लिए दावत देने का शरफ हासिल करता रहूँगा। और उम्मीदवार रहूँगा कि आप भी हम नवाई फरमाते रहेंगे, सदा आबाद रहें, सदा शाद रहें। ये थे हमारे साथ शायर अहले बैत अलैहिस्सलाम व नूहा खान सैयद आज़म हुसैन साहब ढाका बंग्लादेश से। खुदावंद मुताला आपकी तौफीकात में इजाफा फरमाए, सदा आबाद रहें, सदा शाद रहें, सदा जिक्र अहले बैत अलैहिस्सलाम करते रहें। आपकी नस्लों में ये जिक्र अहले बैत अलैहिस्सलाम जारी हो, सारी रहे। दोस्तान जानते हैं कि जिक्र अहले बैत अलैहिस्सलाम करने के लिए हमारे साथ दोस्तान मुख्तलिफ मुमालिक से शरीक होते हैं। तो जो दोस्तान पढ़ने वाले तारीखों का जिक्र करते हैं वो अपने अपने मुल्क के एतबार से करते हैं। करबला में 8 शाबान है, पाकिस्तान में 7 शाबान है। दूसरे ममालिक इसी हिसाब से, जिस इलाके में जिस हिसाब से चांद नज़र आया उस एतबार से वहाँ पर तारीखें होंगी। बहरहाल तारीखें सब मोहताज हैं अहले बैत अलैहिस्सलाम की, और हर चीज़ ज़मीन का ज़र्रा ज़र्रा, सैारे हों चाहे सितारे हों, अहले बैत अलैहिस्सलाम का ही कसीदा पढ़ते हैं। और दोस्तान ने जो काफ़ी सारे रोज़ाना लिखा करते थे, आज भी कुछ मौका मिल गया है तो मैं उनकी दुआएं आपके हुजूर पढ़ देता हूं। फेसबुक पर हमारे साथ जो ज़ाहरी बात हमारा प्रोग्राम टेलीविज़न का है, टेलीविज़न के साथ साथ हमारा प्रोग्राम यूट्यूब पे भी लाइव ब्रॉडकास्ट होता है। इसी के साथ साथ हमारा प्रोग्राम फेसबुक पर भी लाइव दिखाया जाता है। असल टेलीविज़न का प्रोग्राम है, लेकिन क्योंकि दोस्तान की फरमाइश और तकाजे के मुताबिक, क्योंकि कुछ लोगों को फेसबुक पर सहूलत है, कुछ को यूट्यूब पर सहूलत है, इस एतबार से इन दोनों सोशल मीडिया के प्लेटफार्म से भी हमारे प्रोग्राम को दिखाया जाता है। जनाब मोहतरमा सैयदा फाखरा नज़ली साहिबा ने या हुसैन मौला लिखकर भेजा, मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम T4E की टीम को जजाए खैर अता फरमाए, मौला आपको भी जजाए खैर अता फरमाए। सैयदा फाखरा नज़ली साहिबा ने लिखा, सलामत रहो आज़म, आज़म भाई की तारीफ़ की है, यकीनन जो अच्छा जिक्र करे उसकी तारीफ़ करनी चाहिए, मौला आपको भी सलामत रखें। और सैयदा फाखरा नज़ली साहिबा ने, वाह सुबहान अल्लाह मेरा हुसैन जैसा कोई ढूंढ के लाओ, सुबहान अल्लाह, मौला आपको भी तौफीकात में इजाफा दें, सदाबाद रहें। और फिर लिखा लब्बैक या हुसैन, फिर सलाम या हुसैन लिखकर भेजा, फिर लब्बैक या अब्बास लिखकर भेजा, इल्तमासे दुआ फॉर माई हेल्थ, मौला आपको सेहत कामिला अता फरमाएं। और सुबहान अल्लाह कह के अब्बास मैंने उठाए कलम, सुभान अल्लाह, मौला आपकी तौफीक में इजाफा फरमाए। और करीम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम राज़ी हो जाएं, इस वबा को ख़त्म कर दें, मौला आपकी दुआ को कबूल फरमाइए, वबा ख़त्म हो और जल्द सब मोमिनीन खुल के जिस तरीके से चाहते हैं वो करबला में हाज़िर हों, उन्हें हाज़िरी का शरफ़ नसीब हो। और आज़ादार हुसैन साहब ने लिखकर भेजा है, माशाल्लाह, मौला आपकी दाद तासीन को कबूल फरमाएँ। और सैयदा दानिया हैदर साहिबा ने इल्तमास दुआ के लिए कहा है, मौला आपकी दुआएं कबूल फरमाएं और जल्द करबला आना नसीब हो। और मोहम्मद अवैस साहब ने लिखकर भेजा है, जियो सलामत रहो आप सदा, मौला आपको भी सलामत रखें, आबाद रहें। और सैयदा फाखरा नज़ली साहिब ने फिर लिखकर भेजा है, ज़िक्र अहले बैत के सदक़े में अल्लाह आपको सलामत रखे, अली हुसैन अली हसनैन साहब, मौला आपको भी सलामत रखें और अली हसनैन साहब को भी सलामत रखें। जवान जब जिक्र करते हैं उनका एक ख़ास मकाम है और वो ख़ास मकामी से एतबार से है। देखें नेकी सभी करते हैं, जिस तरीके से आपने काफ़ी सारी रिवायात में उलामा से भी सुना होगा कि जवानी की इबादत एक अजीब रंग रखती है और नतीजा रखती है। बहरहाल जवान जो जिक्र करते हैं अहले बैत अलैहिस्सलाम उन पर रहमत बरकतें नाजिल फरमाएँ और उनके माँ बाप की भी खुदावंद मुताल तौफीकात में इजाफा फरमाएँ कि वो अपनी औलाद की अच्छी तरबियत कर रहे हैं और औलाद को अहले बैत अलैहिस्सलाम की तरफ माइल कर रहे हैं। यकीनन वो मेहनत करते हैं, रिज़्क के हलाल अच्छा नतीजा रखता है, रिज़्क के हलाल अच्छा अच्छे असरात रखता है। और जनाबे हज़रत कासिम अलैहिस्सलाम, अच्छा करबला से जो लोग अक्सर राबता करते हैं
क्योंकि इराकी लोग मौला अब्बास अलैहिस्सलाम के लिए एक लकब इस्तेमाल करते हैं, वो इमाम के तौर पर कह देते हैं मौला अब्बास अलैहिस्सलाम, इमाम मंसूस मिन अल्लाह इमाम नहीं है। मौला अब्बास अलैहिस्सलाम को इराकी लोग एहतराम के अतबार से इमाम कह देते हैं, वरना इमाम हमारे 12 हैं। लिहाजा दोस्तान सवाल कर रहे थे कि मौला अब्बास अलैहिस्सलाम को इमाम कहकर क्यों पुकारा जाता है, तो ये इराकी लोग मोहब्बत अहले बैत अलैहिस्सलाम में मौला अब्बास अलैहिस्सलाम को इमाम कह देते हैं, वरना इमाम मौला अब्बास अलैहिस्सलाम मासूम इमाम नहीं है, मंसूस मिनल्लाह इमाम नहीं है। मासूम तो यकीनन है, मौला की ज़ात और इस्मतें मौला अब्बास अलैहिस्सलाम के साथ हैं। जनाब कासिम अलैहिस्सलाम से के मुतालिक जनाब सैयद अहसन अब्बास काजमी साहब ने लिखकर भेजा, इनके बेटे की भी तबीयत ख़राब थी, मौला उन्हें सेहत अता फरमाए। हाशिम व इमरान के घर आ गए कासिम अमीर, नूर रब उतरा ज़मीं पर आ गए कासिम अमीर, आए तत्हीर का मिसदाक नाजिल हो गया, काबा व कुरान से अतहर आ गए कासिम अमीर, मुज्तबा को तहनियत दी अम्बिया ने झूम कर, नस्ल मुरसल खून हैदर आ गए कासिम अमीर, ज़ैनब कुलसूम और हसनैन ने बोसे लिए, फातिमा जहरा के दिलबर आ गए कासिम अमीर, उम्मे फरवा को थी ख्वाहिश नुसरत शब्बीर की, हो गई तस्कीन मादर आ गए कासिम अमीर, कमसिनी में गाजी के शागिर्द ने वो जंग की, भाग कर कहता था लश्कर आ गए कासिम अमीर, इसमें रब को अब जमाने में कोई खतरा नहीं, हारा बातिल मिट गया शर आ गए कासिम अमीर, हुस्ने यूसुफ उनके दर पे सजते करता मिल गया, हू बहु अक्से पयंबर आ गए कासिम अमीर, नूर चमका है लहद में हो गई मुश्किल भी दूर, मिट गया अहसन मेरा डर आ गए कासिम अमीर। और इसी एतबार से दूसरी मनकबत जो हमारे पास मौजूद है वो भी मैं आपके हुजूर पढ़ देता हूँ, जनाब कासिम अलैहिस्सलाम से मुतालिक है। नाइब दस्ते इलाही की अता है कासिम, उम्मे फरवा के लिए हमदे खुदा है कासिम, वार करने में तेरी तेग है तूफान कजा, और चलने में यही बादे सबा है कासिम, जैसे शब्बीर ही बता सकते हैं शब्बीर की शान, ऐसे अकबर ही बता सकते हैं क्या है कासिम, जायका मौत का सुनकर दिले कुरआन तुझे, जायके आयतों के पूछ रहा है कासिम, लगता है तूने रजज पढ़ने की तैयारी में खुतबा बागे फिदक हिफ्ज किया है कासिम, तेरा अंदाज विगा देख के अंदाजा हुआ कासिम खुल्द ने खुद नाम रखा है कासिम, खुल्द यानी कह कहीं करबो बला में तुर्बत, कम से कम ये तेरी मिदहत का सिला है कासिम। जनाब कासिम अलैहिस्सलाम की आमद है पाकिस्तान में और मुख्तलिफ ममालिक में कल थी, बहरहाल मिल के मौला की ज़हूर की दुआ मांगते हैं, अल्लाहुम्मा अज्जिल वली कल फरज।